हेलो स्टूडेंट, निमसेट 2019 में अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट 40 डेज हैं। ये 40 डेज लास्ट का हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है और हर दिन की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपके लिए बोनस ऐड कर रही होती है। हमने साल भर में कम ज़्यादा जैसा भी पढ़ा हो, पर लास्ट के वन एंड हाफ मंथ्स इतना मैटर करते हैं जो पूरे रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। लास्ट कुछ टाइम से आपके लिए मैंने कोई सेशन ले लिया था, तो आप लोगों का ये था कि सर कोई सेशन क्यों नहीं ले रहा है, पहले मैं बता दूँ आपको। और जो क्विक रिवीजन क्लास थी या अभी जैसे एनडीए के पेपर का सॉल्यूशन डाला, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, रीजनिंग में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो जो आपने डाउट भेजे हैं रिलेटेड डाउट, पेपर रिलेटेड डाउट, वो सारे सेशन में डिस्कस करूंगा। इम्पॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन थिंग कि जो मैंने क्विक रिवीजन क्लास ली थी, चाहे वो जेई मेंस की हो, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो किसी भी तरह की है। दूसरा, आईआईटी मेंस के जो पेपर के सॉल्यूशन डालें और इसके अलावा जो एनडीए पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए बहुत 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 यूजफुल है। नंबर वन थिंग, अगर आपने वो क्विक रिवीजन क्लास नहीं देखी, इनफैक्ट मैं आप लोगों के कहने पे ही ली थी, आप में से कुछ लोग चाहते थे कि सर किस तरह से रिवीजन करें, इसलिए वो क्विक रिवीजन क्लास ली। ये जो पेपर मैंने जेई मेंस के डाले हुए हैं, इनका एक पर्पस था कि इससे आपको एक आइडिया क्लिक करेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम सिलेबस के टर्म में देखें तो बॉडी सेम है, जो बॉडी जेई मेंस की वही बॉडी निमसेट की। इसका मतलब अगर हम निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ही बॉडी से जुड़े हुए हैं, तो जेई मेंस के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए पूरे पेपर मैंने आपके साथ डाले और इन पेपर्स को मैं अभी आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। तो इन पेपर के सॉल्यूशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपको जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप एक चीज़ देखते हो कि क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेता मैथ्स का, पर जो टेक्निक्स होती है क्वेश्चन की, वो टेक्निक्स अगर आपने पकड़ ली तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक खास बात देखिए कि जो चीज़ें मैंने फाउंडेशन कोर्स में कवर की थी, बिल्कुल उससे ही बेस्ड जेई का पेपर है और उससे ही बेस्ड मैं बता दूं आपको निमसेट का पेपर आएगा। इसलिए अभी मैं जो भी क्लास लूं, उसमें भले ही हेडिंग कुछ भी हो, आप कन्फ्यूज मत होइए, वो सब क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्विक रिविजन क्लासेज इंपॉर्टेंट है, जेई मेन्स के पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 टाइम्स देखना उनको, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन के सॉल्विंग की अप्रोच एक डेवलप होगी। तो जो क्वेश्चन आपको निमसेट में आने वाले उनको आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। एनडीए के पेपर के सॉल्यूशन से आपकी स्पीड पर वर्क करोगे आप, कि सिंपल क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करना है, टफ क्वेश्चन को कैसे। और अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी पूरे निमसेट के कंप्लीट पेपर भी मैथ्स के, रीजनिंग के अलग अलग तरीके से डिस्कस करूंगा। इनकी भी लाइव क्लास लेने वाला हूं, उसका भी मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर उसके पहले मैं चाहता हूं आप इन क्लासेस को जरूर देखें और इनका बेनिफिट लें, क्योंकि इन क्लासेस के बाद जब मैं निमसेट का पेपर शेयर करूंगा तो आप रियलाइज करेंगे कि सर जो आपने बोला था कि ये जेई के पेपर, क्विक रिवीजन क्लास, एनडीए के पेपर के वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो आप सब लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये सब क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि लास्ट 40 डेज में क्या करें। आप में से कुछ बच्चों के अभी भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी आना चाहिए, मैथ्स में अभी भी अटेम्प्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है वो मैं बताना चाहूँगा। नंबर वन थिंग, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस हैं, एलआर में 40 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में एलआर में 40 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल में 10 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन हैं। इनका मैनेजमेंट समझें आप। मैं फिर आपको बोलूँगा कि जब आप मैथ्स का सेक्शन कर रहे हैं तो आपको जो 60 मिनट मिला है, इस 60 मिनट में आपको जो मैंने इतने सारे पेपर दिए अब तक, कम से कम मैं आपको 100 पेपर दे चुका हूँ जनवरी से अभी तक। कई सारे बच्चे अभी नए नए जुड़ते जा रहे हैं, उनके पास भी पेपर पहुंचते जा रहे हैं। तो जो आपके पास टेस्ट सीरीज आ रही है बहुत यूजफुल है, उसमें आप देखो तो हर तरह के पेपर दिए। तो ये जो 60 मिनट हैं, इस 60 मिनट में आप लोग एक बात समझिए कि 60 मिनट में अगर हमने बेस अच्छे से कवर किया है तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप 20 से 25 कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपका सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। और ये सिलेक्शन प्रॉपर कैसे होगा वो मैंने आपको अभी बोला, ये जो क्विक रिवीजन क्लास है, जेई मेंस के पेपर के सॉल्यूशंस हैं, ये सब आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। एनडीए से, एनडीए के पेपर से आपको स्पीड मिलेगी, जेई के पेपर से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स मिलेगी, क्विक रिवीजन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप इस बात को समझें। आप एक और बात समझना, जैसे मैंने पीएनसी का रिवीजन क्लास लिया या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक आपने बोले थे, आप इन टॉपिक की रिवीजन क्लास, फिर जेई मेंस के पेपर जो में जो क्वेश्चन आया आप रिलेट करोगे तो आप समझ पाओगे कि जो मैंने क्विक रिवीजन में कंप्लीट किया था, कवर किया था, उनसे ही ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं बनेंगे, 100% बनेंगे। तो अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप मैथ्स की 60 मिनट का टाइम देते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट में आपको एटलीस्ट मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन बनने चाहिए। ये स्कैनिंग विथ क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड होगा। अब ये कैसे बनेंगे, तो अब तक करीब करीब
मैं जो आप लोगों को पेपर दे चुका हूँ, मॉक पेपर और ओवरऑल टेस्ट पेपर, वो करीब करीब हो गए होंगे 60 से 80 के बीच में, राइट। इसमें मॉक पेपर्स हैं, करीब करीब आपके पास 15 मॉक पेपर्स होंगे, 15 से 20। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर हैं, इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ पेपर डिफरेंट एग्जाम्स के। तो ये सब पेपर्स का जो आप लोग क्या करा करो, इन पेपर्स को बार बार सॉल्व करो। अब आपके पास NIMCET के सारे एक्चुअल पेपर्स भी, वो एक्चुअल पेपर्स जो आपके पास NIMCET के हैं, उन पेपर्स को आप एक बार हर सैटरडे को सॉल्व करना है, ये एक आदत डाल लो। और हर पेपर को सैटरडे का दिन आपके लिए केवल एक ही बात के लिए होना चाहिए। मैं सेशन भी आज फ्राइडे को इसलिए ले रहा हूँ कि आप कल ये करिएगा कि सैटरडे के दिन आपका काम होना चाहिए सबसे पहले NIMCET के एक्चुअल पेपर्स को सॉल्व करना, नंबर वन। सारे करीब करीब 10 पेपर हैं आपके पास, पहले इन 10 पेपर को हर सैटरडे करना है। फिर मॉक पेपर्स, वो भी लगभग होंगे आपके पास 10। वो ये 20 पेपर्स के अलावा जो मैथ्स के स्पीड टेस्ट मैंने आपको भेजे हैं, वो मैथ्स के स्पीड टेस्ट सॉल्व करें, राइट। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की जो शीट मिली है वो सॉल्व करें। और एक पेपर को सॉल्व करने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। ये वर्क अगर आपने सैटरडे को कर लिया तो संडे के टेस्ट पेपर में आपकी परफॉर्मेंस कोई रोक नहीं सकता। आपको पेपर में कम से कम, अगर आप देखें तो एक्चुअल पेपर से एक चीज़ समझ पाएंगे कि NIMCET में लगभग 10 से 20-30% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन को दोबारा अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना टाइम कहीं ना कहीं किल कर रहे हो, इस टाइम को सेव करना है। ये टाइम अगर आपने सेव कर लिया तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पजल्स रिपीट हो रही हैं, वो याद होनी चाहिए उनके आंसर्स। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत बेसिक लेवल पर आता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो 20% पुराने पेपर से आ रहा है, इस 20% को अगर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा तो मान के चलिए कि NIMCET में आपका परफॉर्मेंस कोई रोक नहीं सकता अच्छी आने से। तो ये एक चीज करनी है। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग को आप समझिए। मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के सेशंस भी लिए, अभी कुछ टॉपिक्स नए ऐड भी कर रहा हूँ, तो पर उसको अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो एक चीज समझ में आएगी आपको निकल के कि मैथ्स के बेस पे लॉजिकल रीजनिंग बन रही है, क्योंकि मैथ्स से बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग आती है आपको। तो अगर मैथ्स अच्छा हो रहा है तो लॉजिकल रीजनिंग इनडायरेक्टली आप अच्छा करते जा रहे हैं, पर वो अटेम्प्ट करने की आदत होना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन आपको रखना है। अभी लास्ट 40 दिन बचे हैं, इन 40 दिन में मैं एक बात बोलूंगा, 25 दिन तो आप इसी रूल को फॉलो करो। आखिरी 15 दिन क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो 60 मिनट लॉजिकल रीजनिंग, 40 मिनट LR, 10 मिनट कंप्यूटर फंडामेंटल, 10 मिनट इंग्लिश, और ये स्केलिंग टाइम इसमें इंक्लूड है। 40 मिनट में आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में पहले 15 मिनट में स्केलिंग विद सिंपल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने, पजल्स बेस्ड क्वेश्चन बाद में करिए। तो फर्स्ट 15 मिनट में जो जितने सिंगल क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म के, क्लॉक के, कैलेंडर के, हो सकता है क्वांट के बेसिक टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हो, उनको ही करिए 15 मिनट में। एंड देन फिर बचे आपके पास 25 मिनट और 25 क्वेश्चन, उसमें आप अगर 15 भी कर गए तो आप सोचिए आपके पास 30 क्वेश्चन हो गए। यही काम यहाँ है कि 15 मिनट में आपने करे 15 क्वेश्चन एक अप्रॉक्सीमेट, फिर बचे 45 मिनट। इन 45 मिनट में अगर आपने 20 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो आप 35 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। यानी एक मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर होगा, देखिए NIMCET के पेपर में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम IIT की पेपर की बात करें तो 3 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर कोई बच्चा वहां मैनेज नहीं करता वो भी वैसे ही रह जाता है, वैसे ही आपके लिए। पर एक बात बता दूं मैं आपको कि IIT के कंपेयर में NIMCET में एक डिफरेंस है। IIT में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उन तीनों को भी एक साथ करना होता है, यहां तो कम से कम सब रिलेटेड चीजें। तो आपसे छोटा अगर 2 साल वाला बच्चा, आपसे 3 साल छोटा बच्चा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सारा खेल इस बात का है कि हम साइकोलॉजिकली क्या सोचते हैं। तो लास्ट टाइम में ये बात ध्यान रखिए कि साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरी बात, इन पेपर्स में जो आपको दिए जा रहे हैं इनमें क्या स्कोर आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे जो पेपर आपको दिए जा रहे हैं इनसे मिलकर एक पेपर बनेगा, परफॉर्मेंस अपने आप आ जाएगी। यहाँ हर पेपर अलग है, पर फाइनल एग्जाम जब देने जाओगे तो जो हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो मैं आपको अभी से श्योर हूं कि जो आपको टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं 90% पेपर इससे बनने वाला, चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग, चाहे कंप्यूटर, चाहे इंग्लिश, यानी इन सब पेपर से मिलकर एक पेपर बनेगा। इसलिए एवरी सैटरडे अब आपको आदत डालनी है कि पूरे पेपर्स का रिविजन करना है। दूसरा, एवरी नाइट सोने से पहले ये एक और आदत आप डेवलप करो, कम से कम 2 एक्चुअल पेपर और 1 मॉक पेपर, ये 3 पेपर रोज सोने से पहले सॉल्व करिए, बार बार करिए। अब आप बोलेंगे कि क्यों बोल रहा हूं तो आपको समझ जाएगा, 2018 का पेपर कर लो 10 बार सॉल्व, 17 का 10 बार, 16 का 10 बार, 12 का 10 बार, सबको क्वेश्चंस दिमाग में आ जाए, देखते ही आप ये बता पाओ कि इसका आंसर 2π होगा, इसका आंसर 3π। ये याद मत करना है कि ए बी ए,
आंसर्स की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू याद करते दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देखा कि मान लीजिए आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन 10 आया तो इसका आंसर कभी भी 10 नहीं होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 3π - 10 लिखेंगे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बार बार देख देख के रिवाइज होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी पे टारगेटिंग का क्वेश्चन आया तो क्या होगा, तो आप जब ये बार बार करेंगे तो जब इस तरह के ही क्वेश्चन नए पेपर में मॉक पेपर में मिलेंगे आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड का तरीका यही होता है, आप अगर हमेशा नया नया करते रहेंगे तो कभी भी स्पीड डेवलप हो ही नहीं सकती। स्पीड डेवलप का एक ही फॉर्मूला है कि जो चीज आती है उसको बार बार करो तो नई चीज अपने आप आपकी स्पीड दे देगी, आपको अपने आप परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो अभी जो भी मैं सेशन लेता हूं याद रखिएगा वो हर सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स या रीजनिंग का कोई भी सेशन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भले वो जेई का हो, भले वो एनडीए का हो, भले वो बिट सेट का हो, वो सभी इंपॉर्टेंट सेशन है। और मैं लेने का पर्पज भी मेरा यही होता है कि आप इन सब चीजों को भी कवर करें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के एग्जाम्स को कवर करने से हमारा डायमेंशंस थिंकिंग पावर ये डेवलप होती है। तो ये सब सेशंस भी करते चलिए, साथ में मैं स्पेशल सेशंस भी आपका नेक्स्ट वीक में लेने वाला हूँ, जिसके लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मैं आपको जिस दिन लाइव सेशन लूंगा उस दिन आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म करूंगा, मॉर्निंग में आपको मेरा सेशन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप इवनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। पर उसके पहले आप जितने जेई के पेपर्स मैंने डाले हैं वो देखिएगा अच्छे से, इसके अलावा एनडीए के पेपर्स के सॉल्यूशन और क्विक रिवीजन एक बार देख लें, पूरा जो फाउंडेशंस कोर्स आप लोगों ने लिया हुआ है उसके स्टार्टिंग के वीडियो को रिवाइज कर लें अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। जेई के क्वेश्चन भी फाउंडेशन बेस्ड थे, वैसे ही निमसेट का पेपर आने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ना। अभी भी आपके पास 40 दिन हैं, इन 40 दिन में मैंने ये आपको जो प्लान बताया वो 25 डेज का है, यानी 3 वीक का प्लान बताया हुआ मैंने। लास्ट 2 वीक क्या करना है वो हम लास्ट 2 वीक में ही डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई आपके डाउट आता है मुझे जो मैसेज करता हूँ मैं आपको देता ही रिप्लाई, फिर भी कोई पर्टिकुलर डाउट और क्वेश्चंस हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है वो मुझसे जरूर शेयर करें। पर 2 चीज़ याद रखें, एक तो निगेटिव थॉट ना आने दें दिमाग में, दूसरा अपने आप को छोड़ना नहीं है, और आखिरी दिन में जितना आप अपना जोर लगा सकते हैं, जितना आप अपना इनपुट दे सकते हैं उतना अच्छा आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए हर समय पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, पॉजिटिव सोच के ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, निगेटिव सोच के कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।